गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी अपना एक कैंपस शुरू कर रहे हैं सिलवासा में, एंड इसके लिए यहाँ पे जो स्थानिक बच्चे हैं उनके लिए 25% रिजर्वेशन है। तो पिछले साल हमने कोशिश की, हम सारे स्कूल्स में गए और वहाँ के बच्चों से बात की, उनको बताया कि लॉ में क्या करियर ऑप्शंस हैं, वो आगे कैसे बढ़ सकते हैं लॉ के फील्ड में। तो हमारा अनुभव ये था कि बच्चे अभी ज़्यादा जागरूक नहीं हैं, ना ही बच्चे ना ही उनके माता पिता, वो अभी भी नर्सिंग, इंजीनियरिंग और डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि लॉ आए, लॉ एज़ अ करियर बच्चे समझें कि उसमें कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं बच्चों के लिए, और जो ये 25% की रिजर्वेशन है ये यहाँ के बच्चे इसका सही इस्तेमाल कर सके। इसलिए हम चाहते हैं कि जो स्कूल के टीचर्स हैं, जो स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं, वो इन बच्चों को इन चीज़ों के बारे में बताएं। तो आज हमने हायर सेकेंडरी एजुकेशन के प्रिंसिपल्स, उनकी इंग्लिश टीचर्स और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनके ऑफिशियल्स को यहाँ बुलाया है, उन्हें बताया है कि लॉ के में क्या करियर ऑप्शंस हैं, उन्हें बताया है कि जो क्लैट का एग्ज़ाम होता है, जो कि ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट होता है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, वो कैसे होता है और वो बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं, क्योंकि ये प्रिपरेशन 1-2 साल लंबी होती है। तो बच्चों को 11वीं कक्षा से ही शुरू करना है कि कैसे क्लैट का एग्ज़ाम देना है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इसमें हमारी टीचर्स हमारी मदद करें, वो ही स्कूल्स में बच्चों को समझाएं। और अगर बच्चे इंटरेस्टेड हैं तो गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एक कोचिंग करेगी, फ्री कोचिंग, बिल्कुल ही निशुल्क, जिसमें हम उन्हें सिखाएंगे कि एग्ज़ाम कैसे देना है, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। हम सैम्पल पेपर्स भी सबको प्रोवाइड करवाएंगे, और उसके बाद ताकि ये बच्चे सिर्फ ना ही यहाँ की रिजर्वेशन लेकिन जो और 24 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में वहाँ पे एडमिशन ले सके और यहाँ के बच्चे बढ़ सके और अपना करियर बना सके। जी, हमारा एक सचिवालय जो यहाँ पे सचिवालय है, ओल्ड सेक्रेटेरिएट, वहाँ पे हमारा ऑफिस है, वो कभी भी वहाँ पे आ सकते हैं, और हम फ़ोन नंबर भी दे देंगे। और हमारी वेबसाइट है GNLUS.ac.in और GNLU.ac.in, और वरना हमारा एक ईमेल आईडी भी है, contactus@GNLUS.ac.in। बच्चे हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे हमारा नंबर दिया है, वो कभी भी उन्हें कुछ भी सवाल हो एडमिशन के बारे में, कैंपस के बारे में, वो हमें बेझिझक पूछ सकते हैं। और यदि स्कूल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये चाहें तो हम आके वहाँ के बच्चों को या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज़ को बता सकते हैं कि लॉ में क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं, तो हम भी आ सकते हैं। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली ना सिलवासा मा GNLU नो हायर सेकेंडरी स्कूल ना प्राचार्यो अने शिक्षकों अने शिक्षण विभाग ना अधिकारियों साथे वार्तालाप। गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ना डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर शांता कुमार साहेबे आ कार्यक्रम मा कायदा ना क्षेत्र मा उच्च अभ्यास द्वारा कारकिर्दी बनावा अंगे नी जरूरी माहिती आपी, साथे साथे क्लेट नी परीक्षा नी तैयारी मा मदद करवा माटे मफत कोचिंग नू आयोजन करशे तेवू पण जणाव्यू। We would want to see that many of your students enrolling with us and joining our university, not only at GNLU, I would be very happy if they can get a seat in other international universities as well. But definitely we can give you the domicile reservation, and therefore the first thing is they can get immediate benefit from GNLU, Silvassa campus. Second, offer some coaching classes. Maybe if your school has a large number of students interested, we will send our teachers there in your school only to do this. That was also possible to try this year. Actually, a few of the students, our teachers went and did this coaching for them, and which has resulted in good results this year. This year, I am happy to announce that last CLAT examination, which was held on December 18, 2022, 67 students from Silvassa appeared. And they performed reasonably well. Yeah, of course, not up to the level that they can compete, the students have the tendency of preparing for IIT, JEE and all those exams. We don't see that kind of interest for CLAT examination in this part of the country. So we thought that we will extend our personal support. What we would request from you is to provide access to your level-centered students, to whom our teachers can talk to them.
a cash-rich university. So we have enough money to support all these kind of good initiatives. So we will offer